नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। नारायण नारायण, नारद का ये डायलॉग कानों में गूंजने के साथ ही एक नाम आंखों में उभर आता है। ये नाम है एक्टर जीवन का। जीवन जो हिंदी सिनेमा के एक बेहतरीन एक्टर रहे हैं। भले ही आज की पीढ़ी एक्टर जीवन को ना देख पाई हो, पर यकीन है ये एक ऐसे एक्टर हैं जो किसी भी पीढ़ी को अगर दिखाए जाएं तो लोग उन्हें ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी एक्टिंग बहुत नेचुरल थी। आइए जानते हैं एक्टर जीवन के बारे में। नारद का नाम आते ही जो छवि हमारे जहन में बनती है वो अक्सर इस एक्टर की होती है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग भाषाओं की करीब 60 फिल्मों में नारद का किरदार निभाया है। 50 के दशक में बनी हर धार्मिक फिल्म में इन्होंने नारद का रोल प्ले किया है। एक्टर जीवन कश्मीरी परिवार में 24 अक्टूबर 1915 को जन्मे थे। उनका मूल नाम था ओंकार नाथ धर। जीवन ने 60, 70 और 80 के दशक में फिल्मों में विलन का किरदार निभाया। वो 24 भाई बहनों के बीच पले बड़े थे। जब वो 3 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था और माता का निधन उनके जन्म के साथ ही हो गया था। मशहूर एक्टर किरण कुमार जीवन के बेटे हैं। जिन दिनों में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, उन दिनों जीवन सिर्फ 26 रुपए लेकर मुंबई एक्टर बनने आए थे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन उन्हें पहली जॉब मोहन सिन्हा के स्टूडियो में रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का काम मिला था। इसी दौरान एक्टिंग में उनकी रुचि देखकर पहली बार उन्हें फिल्म फैशनेबल इंडिया में रोल मिला था। जीवन को मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथोनी और धर्मवीर में विलेन का रोल निभाने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने नागिन, शबनम, हीर राजा, जॉनी मेरा नाम, कानून, सुरक्षा, लावारिस जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। जीवन ने पंजाबी फिल्मों में भी एक्टिंग की। फिल्म कानून में कटघरे की एक सीन मोनोलॉग बेहद लोकप्रिय हुआ। जीवन ने फोटोग्राफी, डांस, एक्शन, संगीत सभी जगहों में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन असफल रहे। जीवन की करियर की शुरुआत की बात करें तो वो जान चुके थे कि उनका चेहरा हीरो लायक नहीं था, इसीलिए उन्होंने खलनायकी में खुद को आजमाया। इसमें वो सफल रहे। वो अपनी खास डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें जीवन नाम विजय भट्ट ने दिया था। इसके पहले उनका नाम था माधव। इसके अलावा वो ओ.एन. धर के नाम से भी बुलाए जाते थे। उन्होंने 4 दशकों तक बतौर एक्टर काम किया। जीवन के अदाकारी में निखार आता चला गया। वो नायकों से तलवार भिड़ाते वक्त कभी नौसिखिए नजर नहीं आए। जीवन साहब उन चंद खुश नसीब कलाकारों में से एक रहे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी काम किया। स्वास्थ्य ने भी उनका साथ दिया और आखिरी दिनों तक वो एक्टिव रहे। यहाँ तक कि जीवन साहब ने ललिता पवार के हस्बैंड, मामा, भाई से होते हुए बेटे तक के चरित्र निभाए। फिल्म कानून के कटघरे के सीन का उनका एकालाप तो अभिनय स्कूलों में उद्धृत किया जाता है। तो ये थे जीवन और ये थी उनकी कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।